करना चाहते हैं, वहीं जेलेंस्की की खुफिया फोर्स अब पुतिन के हिटमैन के पीछे लग चुकी है। इस खुफिया फोर्स ने एक के बाद एक दो हिटमैन पर सटीक निशाना लगाया है। पुतिन का एक जनरल भी मारे जाने की खबर मिल रही है, जबकि पुतिन का कंकाल मैन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। और ये सब देखकर कादिरव अचानक कहीं गायब हो गए हैं। पुतिन को जिस जर्नल पर यकीन था कि वो कीव में घुसकर मारेगा, उसको जेलेंस्की की फौज ने मार डाला। पुतिन ने जिस लड़ाके को इंसान के कंकाल के साथ यूक्रेन को दहशत में डाला, उसका खात्मा भी जेलेंस्की ने कर दिया है। पहला नाम है मेजर जनरल दिमित्री उल्यानोव, जो यूक्रेन की फौज के साथ एक एनकाउंटर में मारे गए। ये पुतिन के सबसे नए हिटमैन थे, जिन पर कीव को घेरने की बड़ी जिम्मेदारी थी। दूसरा नाम है इवोर मंगुशेव। 36 साल का इवोर तब सुर्खियों में आया था जब उसने मानव कंकाल दिखाकर कहा था कि यूक्रेन का ऐसा ही हाल करेगा। इसको एक हमले में सिर में गोली लगी। मंगुशेव ने बताया था कि जो नरकंकाल उसने लोगों को दिखाया, वो मारियोपोल में मारे गए अजोव रेजिमेंट के एक लड़ाके का है। मारियोपोल में नरकंकाल का ऐसा डरावना प्रदर्शन करके मंगुशेव ने यूक्रेन की फौज को डराने की कोशिश की थी, लेकिन सच ये है कि अब उसके ही सर में किसी ने गोली मारी है। ये पुतिन के वैगनर ग्रुप के लिए वार्निंग बताई गई है, क्योंकि पूरा शक है कि ये काम जेलेंस्की की कीव सेबोटाज टीम का है। इस टीम के टारगेट पर रूस के बहुत से कमांडर रहे हैं। 44 साल के मेजर जनरल दिमित्री उल्यानोव तो एक पैरा कमांडो भी थे और रिटायरमेंट के बाद रूस के स्पेशल ऑपरेशन में शामिल हुए थे। यूक्रेन में पुतिन की 98वीं गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन के कमांडर रह चुके दिमित्री उल्यानोव का मारा जाना पुतिन के लिए वाकई बहुत बड़ा झटका है, लेकिन यह अकेला बड़ा शॉक नहीं है, क्योंकि पुतिन अब तक ऐसे 10 से ज्यादा बड़े कमांडर्स को यूक्रेन में खो चुके हैं। ऐसे और बड़े अफसरों की डिटेल भी हमारे पास है, पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पुतिन को अचानक फरवरी में क्यों बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। बाइडेन अचानक एक्टिव होकर नए हथियार पहुंचा रहे हैं। नेटो ने टैंक की सप्लाई तेज कर दी है। काया कैलस जैसी लीडर साबित कर रही हैं कि एस्टोनिया जैसे छोटे देश भी पुतिन को बर्बाद करने का दम रखते हैं। इसलिए युद्ध के एक साल पूरा होने से पहले क्या पुतिन को और शॉक लगेगा? रूस का और कितना खून बहेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि पुतिन की फौज कितनी लाश उठाएगी? News 18 India की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।